आप वहां जाकर तपास कर सकते हैं। जैसे ही राम राज किया, संपत्ति की पाठी आ गई और संपत्ति चला गया। अब सोच रहे कि लंका में कौन जाए, तो सब अपना अपना एस्टिमेट देने लगे। केवल मैं 5 किलोमीटर कूद सकता हूं, तो दूसरे ने कहा मैं 10 किलोमीटर, किसी ने कहा मैं 20 किलोमीटर, किसी ने कहा मैं 50 योजन कूद सकता हूं। क्या करें? अंगद ने कहा चलो मैं चला जाऊं। अंगद कही जाऊ में पारा जी संचय कछु फिरती पारा, मैं निकल तो जाऊ वहां तक पहुंच जाऊ, मगर मुझे संशय है, आप में से किसी को लेने आना पड़ेगा मुझे। मैं वहां पहुंच तो जाऊंगा मगर वहां से वापस नहीं आ पाऊंगा। जी संचय कछ फिरती बारा, मुझे लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। तब एक बानर था, रिच था, हनुमान जी महाराज, उन्होंने कहा हे बानर आप सुनिए, ये सुंदरकांड की मजा है, रामायण की चौपाई की मजा है। बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ सोतन बरनी न जाय, पहला दो उभय दरी महदिन सात प्रतीक्षण। यहां वामन को याद किया, जामवन जी महाराज का है कि जब प्रभु विष्णु हरि बलि के यहां वामन बन के आए, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, बलि राजा के यहां यज्ञ में जब वामन भगवान विष्णु वामन बन के आए, तब वे वहां विद्यमान था। ये बहुत दीर्घायु चिरंजीवी है, जामवन जी बहुत जिए, रामावतार में वयोवृद्ध है, मगर वामन अवतार में यंग थे, युवान थे। तो बोले जब बलि को बांधने के लिए श्री विष्णु आए थे और बलि ने संकल्प किया, वो बच्चे वामन ऐसे भगवान ने के सामने संकल्प किया, और जब 3 पैर पृथ्वी मांगी और पृथ्वी का नाप लेने के लिए जब वो विराट बने, तब ये हनुमान जी महाराज अंगद मैंने भाग के साथ परिक्रमा कर ली थी, इतना मैं शक्तिशाली था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तरु बलि न जाए, इतने विराट बने थे उसका तन का वर्णन नहीं किया जा सकता, एक ही पैर में समग्र पृथ्वी को नाप लिया और पृथ्वी जैसा, जितना पृथ्वी के जितना जिसका पैर हो उसके साथ परिक्रमा। जामवन जी कहे तो मैंने की थी, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तन वर्णिन जाय, उभय धरी महदिन सात प्रदीक्षण धाय। उस खड़े हुए विराट का, उस विराट की सात परिक्रमा मैंने की थी, मगर आज मैं वृद्ध हो गया हूं, आज मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। तो अंगद ने कहा कि मैं जाऊं, मगर अंगद कही जाऊं मैं पारा जी संचय का जो फिरती पारा, मुझे शंका है, संशय है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तब हनुमान जी महाराज ने जामवन ने कहा कि आप सब कर सकते हैं, मगर आप हमारे अधिष्ठाता है, अधिनायक है, और नायक पकड़ा जाए तो तकलीफ होती है। जामवन कहा तुम सब लायक पठही की भी कर ही सब नायक, नायक को अकेला नहीं भेजना चाहिए। कहे रिछ पति सुनो हनुमान, सबने अपना अपना माप दे दिया, मगर हनुमान जी ने अपना माप नहीं दिया। जो बहुत जानता है ना वो बोलता नहीं, अपनी मीटिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो जो सब कुछ जानता है ना वो बोलेगा नहीं, वो सुनता रहेगा। जो पूर्ण होता है, हमारी गुजराती में बे केवल के छलकाई जाऊ ने ढोड़ाई जाऊ उभराई जाऊ, छलकाए कौन जाए, आधा, जो आधा होता है उसको हलक पलक होता है, झापट लगती है, आधी पूरी थाली आप लेके नहीं जा सकते,
आधे कटोरी आधी गोली आधा मटका और ज्यादा हिलता है, बुरा बुरा है कोई बात नहीं, वो काट भी लेके चल सकते हो। या तो आधे के अंदर आप थोड़ा डालने का प्रयास करो तो क्या हलक डुलक हो गए निकल जाएगा, तो उसको हम गुजराती में छलका उठ गई। और जब भर जाता है तब उसके अंदर आता है उसका क्या होता है, यानी गुजराती में उभराई जब होती है तो सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, जो पूर्ण हो जाता है वो जितना आता है उतना दे देता है समाज को, और जो आधा अधूरा है वो नाम के लिए दाम के लिए पद के लिए प्रतिष्ठा के लिए वो हलक डोलक होता रहता है, यानी कि गुजराती में छल कराया करे क्या था नहीं पोते अधूरे रहे अने संसार में जहाँ जरूर हो जाए आपे आपने जहाँ छलका है क्या गमे त्या छलका है पर्टिकुलर जगह ही ना छलका है। तो यहाँ हनुमान जी महाराज एक जगह पर शांति से बैठे हुए, जामवंत जी ने देखा कि सभी बंदर अपना अपना माप बता रहे, मगर हनुमान जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे। कहि रिचुपति सुनु हनुमाना का चुप साथी रहे वो बलवाना। हे हनुमान जी महाराज, हे बलवान, सब लोग बोल रहे आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे, आपने मौन धारण क्यों किया है? फिर भी हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे। तब जामवंत जी बोले, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। हनुमान जी महाराज आप पवन के पुत्र हैं, पवन तनय और आपका बल पवन के समान है, पवन तनय बल पवन समाना, आपके पास बहुत बुद्धि है, आप पवन का स्वरूप है, पवन के पुत्र है, और पवन जितनी आपकी वेग है पवन जितना आप में शौर्य है, मगर उस शौर्य के साथ के हनुमान जी महाराज आप में विचक्षण बुद्धि भी है, बुद्धि विवेक है, आप में विवेक है और आप वैज्ञानिक पद्धति से जीवन को जीते हैं। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ज्ञान और ज्ञान की अग्रिम अवस्था है विज्ञान। ज्ञान यह है कि भगवान है, मगर विज्ञान यह है जो भगवान को जान लेता है। तो विज्ञान अवस्था अद्भुत है, यानी कि खोज कर लेना, स्थापित कर देना, सिद्ध कर देना उसको कहता है, कहा गया है विज्ञान। विज्ञान में किसी भी चीज को स्थापित किया जाता है, सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है, उसको कहते हैं विज्ञान। तो हे बाप जी, आप वैज्ञानिक भी हैं, आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिमतां सर्व प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान आप, और आप विवेकी हैं। हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, विज्ञान है, मगर हमारे पास विवेक नहीं है, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए। जैसे एक शेठ जी बैठे हुए थे, संध्या समय हुआ था, स्कूल वाले वो फंड रेजिंग के लिए आए थे, स्कूल बनानी थी, तो सब लोग सोचा कि शेठ बड़े हैं, 2-5 करोड़ रुपया दे देंगे तो हमारा इस शाला का काम भवन बन जाएगा। मगर घटना कुछ ऐसी हुई, सायंकाल हो गया था, शेठ जी इन लोगों से बात कर रहे थे, दिया जलाने का समय हो गया, उनका चाकर हाथ मुंह आदि धो के आया और माचिस से दिया जला रहा, एक माचिस की सली से दिया नहीं जला, वो वेस्ट गई तो दूसरी जलाई कांडी, तो सेठ ने उसको डांटा और इतना डांटा कि जो फंड के लिए आए थे उन्होंने सोचा कि अभी यहां से क्या मिलेगा, तो कंजूसों
मैं सबसे बड़ा कंजूस हूं। ये एक तीली के लिए, माचिस की तीली के लिए इतना बवाल मचा रखा है, वो हमें क्या दान देगा? बातें आगे चल रही, बोलिए हमारे लिए क्या सेवा है, क्या कर रहे हैं, ऐसा वैसा सब रिपोर्ट मांगे पूछा, तो बोले खर्चा कितने का है। तो सब लोगों ने सोचा भाई तुझे जो देना है वो दे देना, तू माचिस की तीले के लिए बवाल कर रहा है, हमें क्या दे देगा? तब शेठ ने कहा कि कुल खर्चा कितना है? तो बोले 3 करोड़ आ जाएगा तो हमारा काम फिलहाल हो जाएगा। तो बोले पूरे पूरा 3 करोड़ मेरी ओर से ले जाओ। तो वो था उससे भी था, उड़ाव नहीं होना है, विवेक होना चाहिए। आपके पास बहुत है तो लंबा हाथ होते तो क्या करना है, वो कैक्टस की बाढ़ में डर देते आप। हमारी कहावत है कि लंबा हाथ हो तो थोर मानो न खाए, गुजराती में कहावत है। लंबे हाथ है तो प्रभु के चरणों पर पहुंचने चाहिए। तो यहां हनुमान जी महाराज विवेकी है, और विवेक का सबसे बढ़िया उदाहरण मैंने पिछली कथा में भी दिया था, मगर आप लोग भूलने वाले हैं, सब भूल जाते हैं, अच्छी बात है, और भूल जाओ, मगर सब कुछ भूल जाओ, भूलना है तो सब कुछ भूल जाओ, बैंक बैलेंस भूल जाओ, खाता भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। एक भाई सुबह दातुन कर रहा था, तो बगल के घर से 5 भैंसे निकली घास चारा चराने के लिए। सुबह 7 बजे दातुन कर रहा था, भैंसे जा रही थी, तो उन्होंने एक भैंस को ऐसा देखा, उसके सिंह बहुत अच्छे गोल थे। उसको देख के विचार आया कि उसके सिंह के अंदर मेरा मत्था जा सकता है क्या? बहुत बढ़िया विचार कि मेरे मत्थे की साइज और सिंह का जो डायमेंशन है वो सेट हो सकता है कि नहीं, विचार अच्छा। फिर बाद में सोचा कि जाए तो भी क्या और ना जाए तो भी क्या। दूसरा दिन वही क्रम, 7 बजे दातुन के लिए बैठा, भैंसों का पसार होना, एक भैंस को देखना, उसको देखना, उसके सिंह बड़े अच्छे है, गोल है, क्या मेरा मत्था जा सकता है क्या? फिर सोचा कि जाए तो भी क्या हो ना जाए तो भी क्या। प्रतिदिन ये ऐसा सोचता था कि सिंह गोल है, मेरा मत्था जा सकता है या नहीं, फिर अपने आप जवाब दे देता है कि जाए तो भी क्या और ना जाए तो भी क्या। ऐसे करते हुए 10 वर्ष निकल गए, एक ही विचार, एक ही भैंस का निकलना, खुद सुबह दातुन के लिए बैठना। अभी तो 10-10 वर्ष हो गए, उसके मत्थे की नस फटने लगी, टेंशन में आ जाता है कि उस सिंह का माप क्या है और मेरे मत्थे का माप क्या है। जैसे भैंस को देखता है, और आज तो उन्होंने नक्की कर लिया कि आज इस पार या तो उस पार, इस टेंशन को मिटा देना है। विवेक क्या चीज होती है, उन्होंने नक्की किया कि इस टेंशन को खत्म कर देना है। सुबह 7 बजे बैठ गया, महिषी भैंस निकली, लोटा इधर रखा, दातुन इधर, और छलांग लगा के भैंस के सामने आ गया। और ये बंदा जैसे भैंस को देखता था, वैसे भैंस भी प्रतिदिन उसको देख रही थी, तो उस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, नई बात नहीं थी, पुराना बंदा था, कोई बात नहीं, कुछ खिलाना पिलाना होगा। आए ना सामने, सिंह पकड़ लिए, भैंस ने कुछ नहीं किया, फिर उसने मत्था डाल दिया, और जैसे मत्था चला गया, उसका 10 वर्ष का टेंशन खत्म हो गया। हाश, और इतना जोर से बोला कि चला गया। उसके बाद भैंस समझ नहीं पाई ये क्या हुआ, मत्था डाला तब तक सही था, जैसे ही चिल्लाया जोर से कि चला गया, तो दो सिंह के बीच में आवाज आती है तो भैंस के सीधे कानों में जाती है। तो अब भैंस भड़की, भागी, तो मत्था तो अंदर घुस गया था, उसके बाद ये भैंस भागी, तो सिंह को पकड़कर भाग रहा है, भैंस जा रही है,
सब लोगों ने पकड़ा। सब लोगों ने भैंस को पकड़ा रस्सी आदि से, अनेक प्रकार से लोगों ने पकड़ा। सुबह 7 बजे की बात, पूरा गांव एकत्रित हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? और बंदे को सिंह के अंदर से निकाला, मगर ऑलमोस्ट कोमा में जाने की तैयारी में। तो एक बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि बड़ा आदमी, भैंस के सिंह के अंदर मत्था डालने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। तो वो बड़ा बड़ा बोला कि 10 बरस तक तो सोचा, 10 बरस तक विचार करके व्यक्ति भैंस के सिंगों के अंदर अपना मत्था डाल रहा है। हमारी भी कुछ अवस्था ऐसी है, अनिष्ट का चिंतन करते करते काफी समय बीत जाता है, मगर कर लेते हैं तो अनिष्ट ही है।